आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कॉमन सी रेसिपी, लेकिन एक झटपट तरीके में। तो उस रेसिपी का नाम है सूजी के लड्डू। तो उसको बनाने के लिए हम नहीं करेंगे आज कोई भी देरी, पर मिलना पड़ेगा आपको इंट्रो के बाद। जैसा कि आपने हमारा इंट्रो देख लिया है, तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी बनाने के लिए लिया है हमने आधा कप मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप आधा कटोरी घी भी डाल सकते हैं। उसमें हमको डालना है 2 कप सूजी। तो आप देख सकते हैं, आप पे हमने 1 कप डाल दिया है और अब एक और कप डालेंगे हम इसमें। तो आप देख सकते हो, फिर दोनों को डाल के मिक्स करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, नहीं किया है इस वीडियो को शेयर, इस वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो क्या कर रहे हो अभी? क्या पिज्जा के करो यार। और फिर मलाई में सूजी डालने के बाद आपको कर लेना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आपको कर लेना है जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस, फटाफट से हम लोग कर देते हैं इसको। तो गाइस, जब तक हमारा डो तैयार हो रहा है, तो उसी टाइम हमने साइड में रख लिया है यहाँ पर एक कुकर में पानी डालकर उसको कर लेना है। प्रीहीट करने के लिए हमने रख दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुकर प्रीहीट हो रहा है, हमने इसमें पानी डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है प्री हिट। और फिर तो गाइस, यहाँ पर हम लोग ने भर लिया है एक डिब्बे में हमारा डो जो हमने मिक्सचर बनाया था, और साइड में हमारा कुकर यहाँ पर कूद चुका है प्री हिट 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 हिट। और यहाँ पर अब डिब्बा हमने कर दिया है बंद, और इसको अब हम लोग को रखना है कुकर में और लेना है इसकी 6 से 7 सीटियाँ। तो और उसके बाद फिर सीटी लेने के बाद आपको करना है उसको ठंडा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इसको फिर 6 से 7 सीटियाँ लेना है इसकी, और उसके बाद इसको रख देना है ठंडा करने के लिए। यहाँ पर हम लोग ने ले ली है सीटी 6-7 जैसे कि हमने आपको बोला था, और कुकर को हम लोग ने कर लिया था ठंडा। उसके बाद आप देख सकते हो ये रहा हमारा वो मलाई और सूजी का बैटर। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये पूरी तरीके से पक चुका है जैसे हमको चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो हम इसको एक बड़ी थाली में ले लेंगे या कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं ताकि उससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ले लिया है बड़ी थाली में प्लेट में, तो ये एकदम मस्त लग रहा है। इसमें हम धीरे धीरे कर डालने वाले हैं हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसको अच्छे से आपको फैला फैला के ठंडा कर लेना है जैसा कि हम कर रहे हैं। तो जब ये कुनकुना रहेगा तभी आपको इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। तो अभी तो ये थोड़ा गर्म है, ये गर्म है, तो अभी हम इसको फटाफट से थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये लग रहा है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, नहीं किया है लाइक, तो जाके कर दो यार। वीडियो को नहीं किया है लाइक, नहीं किया है वीडियो को शेयर, तो जाके करो यार। क्या कर रहे हो? आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए आपके डिमांड की, तो वो आप ज़रूर से कमेंट में डालिएगा, तो वो भी हम जल्द ही बनाएंगे। तो हमारी चैनल पे ऐसी ट्रिक्स तो मिलती है, और अभी हमने धीरे धीरे टिप्स एंड ट्रिक्स भी चालू कर दी है। तो जैसा कि आपने अगर हमारे दूसरे वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये हल्का गरम गरम है, तो आप देख सकते हो हल्का गरम है, ऐसा देख सकते हो आप। अब इसमें आप
जब ये गुनगुना रहेगा तब आपको इसमें डालना है एक कटोरी पीसी हुई शक्कर। ये आप अपने मेजरमेंट से डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी का मेजरमेंट लिया है और इसमें डाल दी है शक्कर पीसी हुई। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। तो हम अच्छे से कर ले। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कर लेना है इसको मिक्स। अब हम इसमें डालने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर हमने इलायची तो डाली है और हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं डाक। तो आपकी पसंद के आप इसमें डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको पिस्ता अच्छी लगती है तो आप वो भी डाल सकते हो। जो आपको डालना है आप वो डाल सकते हो। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं करके। और इसको फिर आपको बना लेना है लड्डू, लड्डू के शेप में, या आपको जो शेप चाहिए वो आप बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लड्डू बन के तैयार है। तो गाइस इतना इजी थी ये रेसिपी। अच्छी लगी है आपको ये रेसिपी तो एक बार जरूर से कर देना इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, ताकि आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स इस रेसिपी को देख के ये लड्डू बना पाए और वो भी इस रेसिपी का मजा उठा पाए। तो हम फटाफट से सारे लड्डू बना लेते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे लड्डू बन के तैयार है, कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप खाएंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतने टेस्टी हैं। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। पर एक मिनट, आपने अगर अभी तक नहीं बनाई है ये रेसिपी तो क्या कर रहे हो? शेयर करो इस वीडियो को ताकि दूसरे लोग भी ये रेसिपी बनाए और ये वाली रेसिपी एक बारी जरूर बनाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।